कोरोना के मरीज यानी वो मरीज जिनको लक्षण है या लक्षण भी नहीं है उनका टेस्ट महज 30 मिनट में कैसे होगा ये और रिजल्ट पॉजिटिव है या निगेटिव ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। आप सीधे डेमो देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दिल्ली सरकार ने द्वारका सेक्टर 4 में यहां पर रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू कर दिया है। एक महिला है जो कि वहां पर बैठी हुई है, फिलहाल उनका टेस्ट हो रहा है और सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने के बाद प्रेगनेंसी किट जैसी एक किट है जो कि आप देख सकते हैं एम्बुलेंस में बैठी हुई जो स्वास्थ्य कर्मी है उनके पास ये किट मौजूद है। वो सैंपल लेकर उस किट में बाकायदा डाला जाएगा और जैसे प्रेगनेंसी का टेस्ट होता है दो लाइन्स आ जाती हैं जिनका कलर रेड होता है, ठीक उसी तरह का ये टेस्ट है और महज 30 मिनट में ये पता लग सकता है कि जिनका भी टेस्ट हुआ है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। लेकिन सबसे खास बात इस टेस्ट की यही है कि अगर कोई कोरोना निगेटिव आता है तो इसका मतलब 90% इस बात का शक ये हो सकता है कि वो संक्रमित हो, लिहाजा अगर वो लक्षण दिखाता है तो उसका दोबारा टेस्ट किया जाएगा लेकिन वो रैपिड एंटीजन टेस्ट नहीं होगा बल्कि वो दोबारा से आरटीपीसीआर टेस्ट होगा जो कि ट्रेडिशनल टेस्ट है, ये लेबोरेटरी में होता है, इसमें काफी समय लगता है। दूसरा, अगर जो पेशेंट है उसका लिया हुआ सैंपल में वो संक्रमित दिखता है, पॉजिटिव दिखता है, तो जाहिर सी बात है ये इस टेस्ट की खासियत यही है कि अगर वो कोई संक्रमित है, पॉजिटिव है, तो ये 90% सच है, यानी कि ये माना जाएगा कि वो पॉजिटिव है। फिलहाल केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बाकायदा जो है टेस्टिंग की जा रही है और एक एक करके, और ये जो टेस्टिंग है वो कंटेनमेंट जोन में भी की जा रही है और कंटेनमेंट जोन के साथ साथ जो भी अदर एरियाज हैं जहां पर टेस्ट नहीं हुआ है धीरे धीरे उन एरियाज में भी टेस्ट को बढ़ाया जा रहा है।